आपका टॉप कैट अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हाँ नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू हो चुका है, क्लास फर्स्ट में हमने आपको डिजिट के बारे में बताया था और डिजिट के बाद क्लास थर्ड में आपको सारे क्वेश्चन लगवाए थे। अब क्लास आज की 5 है, कल मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको नंबर्स क्या, नंबर से हम क्वेश्चन लगाते हैं। आज से हम नंबर क्वेश्चन सीरीज में आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था कि हम क्वेश्चन डिजिट के होने के बाद हम आपको क्वेश्चन सीरीज आपको पैटर्न से कराएंगे सारे। तो आपके हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पर दिखाई है कि यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन है। यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है, क्या दे रखी है, प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन क्या होगी, तो रूट एन क्या होगी। इसके लिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपका स्क्रीन पर, दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है और तीसरा। ये पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, रूट एन क्या होगी, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी या संख्या होगी या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। चलो हम चेक कर देंगे रूट एन क्या है, हम तो रूट एन को हमें चेक करना है कि रूट एन है क्या है। अब पहले तो हमें पता है कि एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। हम एन की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने एन की जगह वन रखा तो वन की वैल्यू वन होती है, दो की वैल्यू रूट टू की वैल्यू टू होती है तो रूट टू होती है, रूट थ्री की वैल्यू पॉइंट में आती है, रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है टू, रूट फाइव की वैल्यू रूट फाइव ही होती है। तो पता है कि एक क्या, हमारे पास एक परिमेय संख्या भी होती है प्राकृत संख्या भी होती है। रूट टू केवल अपरिमेय संख्या है और रूट थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट टू क्या हमारे पास, परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या होती है। रूट फाइव क्या हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। तो उसने पूछा हमेशा प्राकृत संख्या आएगी, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं आ रही, क्या अभी कभी परिमेय संख्या भी आ रही है प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या भी आ रही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा हमेशा परिमेय संख्या होगी, चलो प्राकृत संख्या ही परिमेय संख्या होती है, सारे प्राकृत संख्या सब परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है, देखिए जाए क्या आ गया, अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं आ रही, अपरिमेय संख्या भी मिक्स में आ रही है सीरीज में। फिर कह रहा हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं हो रही, परिमेय संख्या भी आ रही है, अपरिमेय संख्या भी आ रही है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ठीक है कभी परिमेय भी आ रही है हमारी अपरिमेय भी आ रही है, तो ऑप्शन कौन सही हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा सही राइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। तो पहला ये मैं कह रहा हूं एक परिमेय संख्या का एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है, तो पहला कौन सा सही नहीं है। पहला तो ऑप्शन कह रहा हमारा कौन सा सही नहीं है, तो कह रहा है कि एक ना तो प्राइम नंबर है हमारा और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये सही है हमारा, कौन सही नहीं है, एक परिमेय संख्या ना ही कंपोजिट नंबर है।
बता सको, नहीं तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या होता है एक। पहला वाला सही है हमारा, वो कह रहा सही नहीं है, तो ये हमारा सही है, तो हमें नहीं ढूंढना है कौन सा नहीं है। वो कह रहा जीरो क्या धनात्मक संख्या नहीं और ऋणात्मक संख्या नहीं है, ना तो जीरो ना तो धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो ना तो हमारा नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव होता है, जीरो केवल जीरो होता है, नहीं तो जीरो नेगेटिव होता है और नहीं जीरो हमारा पॉजिटिव होता है। ये भी सही है हमारा, सही दे रखा है। सी कहता है यदि पी इंटू हम क्यू लिखें, पी इंटू क्यू दे रखा है सम है, पी इंटू क्या दे रखा है सम है, इवन दे रखा है, तो पूछ रहा है कि पी और क्यू दोनों ही सम होंगे, मतलब ये तो कंडीशन दे रखी है। अब पूछ रहा है कि पी और क्यू दोनों ही सम है, पी और क्यू दोनों सम है, तो हम चेक करेंगे ये तो हमारा पी ओ क्यू में सम लेके आना है, ये तो कंडीशन है, हमें सम ही लेके आना है, हमें दो नंबरों को गुणा करना है। जैसे कि मैंने गुणा करा दो का पाँच में गुणा करा तो कितना है 10, चलो इवन नंबर आ गया। पाँच का करा हमने चार में कितना आ गया 20 आ गया, इवन नंबर होता है 20 भी। तो हम ये देखना है कि दोनों ही नंबर हमने पहले वाले को पी माना और दूसरे वाले को क्यू जो दे रखा है, सम नंबर आ रहा है ये तो ठीक है पहले स्टेटमेंट, और दूसरे स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन पी तो सम नंबर है क्योंकि हमारा इवन नंबर हो गया पाँच, तो फिर भी सब इवन नंबर आ रहा है। जब हमने इसको इवन कर लिया और इसको इसको ऑड करा, इसको इवन कर, इसको विषम संख्या कर ली पाँच हमने पी को और क्यू को हमने विषम संख्या कर ली, फिर भी हमारे पास इवन नंबर आ रहा था, तो दोनों क्या पी और क्यू दोनों सम नहीं है, दोनों में से कोई एक सम होगा एक एक विषम होगा, तो पहले ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हमारा गलत। अब डी पे एक बार फोकस कर लेते हैं, वैसे आंसर तो सी हो गया, कौन सा नहीं है, तो वहाँ सही नहीं है, ये सही था ये सही है। डी भी क्या है, डी कह रहा है कि रूट टू क्या परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, तो रूट हमारी अपरिमेय संख्या होती है, तो रूट के अंदर आने वाली वैल्यू सब क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, जब तक कि तो अंदर वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः वर्ग नहीं होनी चाहिए, तो हम रूट टू क्या अपरिमेय संख्या है हमारी, ये भी सही है हमारा ऑप्शन। तो कौन सा सही नहीं है, सी हमारा कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में तो कौन सा सही है, इसमें देखना है कि कौन सा सही है, पहले तो इसको फोकस ध्यान रखना कौन सा सही है, ए ऑप्शन की बी ऑप्शन सी या डी, हम चेक करेंगे कौन सा सही है। फिर एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है, मैं तो कह रहा कि दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, पहले दशमलव विस्तार समाप्त क्या होता है, दशमलव विस्तार को समझ देते हैं अलग से, ऐसे कहता है दशमलव विस्तार समाप्त, समाप्त एक होता है दशमलव विस्तार गैर, एक होता है गैर समाप्त, एक होता है दशमलव विस्तार दोहराव, दशमलव विस्तार दोहराव, एक होता है दशमलव विस्तार गैर दोहराव। इस चार कंडीशन होती है, चार कंडीशन समझते हैं बस। साफ क्या होता है कि हमने किस संख्या में भाग दिया, किसी भी नंबर से, पाँच में दो से भाग दिया तो 2.5 आया, पाँच में हमने चार से भाग दिया तो 1.25 आया, तो मतलब हमने दो का भाग देने का संख्या समाप्त हो जाती है, आगे भाग नहीं जा रहा, चार से भाग दे फिर आगे भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या होती है, ये होती है दशमलव विस्तार समाप्त, ये समाप्त हो जाती है, इसे कहते हैं दशमलव विस्तार समाप्त संख्या। फिर हमने किस संख्या में भाग दिया समाप्त हो गई, तो ये दशमलव विस्तार गैर समाप्त, हमने किस संख्या में भाग दिया वो समाप्ति नहीं होगी दे रही, जैसे छः का भाग दिया हमने नौ से तो कितना आया 2/3, और छोटा कर लेते हैं दो, अब तीन में हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6666, और ये भागी
खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसे हमने एक में भाग दिया सात का, भाग क्या खत्म ही हो गया, इसका भाग देंगे कितना आएगा, पहले वन आएगा, फिर फोर आएगा पॉइंट के बाद, ये फिनिश ही नहीं होगा। मतलब कोई नहीं, संख्या आती रहेगी, हम लोग कोई ना कोई जीरो लगाते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, क्या ये गैर समाप्त होगी, कहीं समाप्ति नहीं होगी तेरी। फिर होता है दोहराव वाला, जैसे कि हमने कोई संख्या भाग दिया, एक में तीन से भाग दिया तो पॉइंट थ्री दिया आएगा, पॉइंट 3 3 3, ये क्या है दोहराव, मतलब रिपीट हो गया, नहीं रिपीट सेशन। फिर क्या है दशमलव व्यवस्था गैर समाप्त, गैर दोहराव, मतलब संख्या भाग दिया और दोहराव नहीं हो रही। सात से भाग दे दिया हमने, पॉइंट 1 4, इस संख्या क्या हमेशा अलग अलग संख्या आएगी, तो क्या होगी गैर दोहराव होगी। अगर संख्या भाग दिया समाप्त हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 पॉइंट के, 4 5 डिजिट पर समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं समाप्त। पॉइंट के दशमलव बाद संख्या समाप्ति नहीं हो रही, आगे जा रही है, उसे कहते हैं गैर समाप्त। दशमलव व्यवस्था दोहराव, जो संख्या हमेशा रिपीट होकर सेम संख्या आती है, उसे कहते हैं समाप्त दोहराव। गैर दोहराव, जो संख्या रिपीट ही होकर नहीं समाप्त, सेम नहीं आती, हमेशा अलग अलग आती है, घेर द्वारा बना रहा, कहीं फूल आ रहा, कहीं और नंबर आएगा, डिवाइड करोगे तो उसे कहते हैं गैर दोहराव। तो हम समझते हैं अब आ रहे हैं कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या होता है बेसब समाप्त, दोहराव क्या होता है, समय बता दिया। जैसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं टर्मिनेट, इसे नॉन टर्मिनेट, इसे कहते हैं रिपीटिंग, इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। तो ध्यान रखना है चारों स्टेप को, टर्मिनेट इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपके को। अब हम इंग्लिश में तो ये कहते हैं, अब हम ऑप्शन पे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा सही है। तो हमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का केवल दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। हमें तो कोई परिमेय संख्या ली 7/2, तुमने भाग दिया 3.5, ये को परिमेय संख्या ले ली 1/7। मैंने कहा कि जो संख्या परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो हमें पी अपन क्यू के रूप में, हमें पी अपन क्यू के रूप में लिख दिया, इसका भाग दिया तो ये समाप्ति नहीं होकर देगा, क्योंकि गैर दोहराव होता है और हमेशा आगे जाते ही रहेगा, 1/7 का कभी समाप्ति नहीं हो रहा, क्योंकि गैर समाप्त होता है, ये क्या होता है गैर समाप्त, तो ये कभी समाप्ति नहीं होगा। तो कह रहा परिमेय संख्या समाप्त हो रही है, नहीं, परिमेय संख्या समाप्ति भी होती है और कभी समय असमानता भी होती है, और कभी गैर समाप्त होती है, नॉन टर्मिनेट भी होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा गलत हो गया, वो बोला सही है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, क्या कि एक बी ऑप्शन में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव व्यवस्था गैर समाप्ति है, मतलब नॉन टर्मिनेट है, हमने कोई परिमेय संख्या ली, इसका समाप्त हो रहा है और इसका समाप्त नहीं हो रहा, तो मतलब परिमेय संख्या समाप्ति होता है, नहीं समाप्ति होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या का विस्तार टर्मिनेट भी होता है, नॉन टर्मिनेट दोनों ही होती हैं। तो उसने ऊपर आने बोला टर्मिनेट होना चाहिए, फिर कह रहा है नीचे नॉन टर्मिनेट, तो दोनों ही कंडीशन होती है, नहीं तो ये होगा नहीं बी होगा। अब सी पे फोकस करते हैं, सी कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। अपरिमेय संख्या होती है रूट के अंदर होती है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, बस रूट की वैल्यू होती है या तो नॉन टर्मिनेट होगी या नॉन रिपीटिंग होगी, ये बात ध्यान रखना, रूट की वैल्यू हमेशा, कभी कोई रूट की वैल्यू होगी नॉन टर्मिनेट, गैर समाप्त होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेट होगी, कभी रिपीट नहीं होगी वैल्यू, हमेशा अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, समाप्त नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। तो हमारा क्या है, ये भी गलत हो गया। अब डी पे चेक करते हैं, अब डी कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का विस्तार गैर समाप्ति गैर दोहराव होता है, मतलब तो गैर समाप्ति नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, मैंने बोला था कि रूट की वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर हम 10 10 पे आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको अलग से ध्यान रखना, इसी आधार पे तो क्वेश्चन था हमारा ये नंबर सिस्टम। क्वेश्चन हमारा 10, क्वेश्चन 10 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो कथन दे रखे हैं स्टेटमेंट, कथन कौन से हमारे पास, ए बी सी डी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने आपने पहले स्टेप बताया प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम बनाया था, पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर होल नंबर आता है, फिर क्या आता है हमारा इंटीजर नंबर आता है, फिर रियल नंबर आता है, फिर आता हमारा रेशनल नंबर। चलो जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन में ए में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि हमें डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम पर ध्यान दीजिए, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सभी रेशनल क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, और सभी नेचर क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर रियल नंबर होते हैं, और सभी ये कुल मिलाकर जो बड़ा वाला ब्रैकेट में है सब छोटे ब्रैकेट सब बड़े ब्रैकेट में इंक्लूड होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर कभी पूछे रेशनल नंबर, हाँ होती है, रेशनल नंबर वहाँ इंटीजर नंबर होते हैं, नहीं कभी पूछे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते, इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में नहीं आ सकता, लेकिन छोटा ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में आ सकता है। इस प्रकार विशेषकर ध्यान रखिए। अब इरेशनल नंबर सबसे अलग रखिए, इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है, इनमें से चारों में ऑप्शन नहीं होते, रेशनल नंबर अलग होता है, रेशनल नंबर अलग होते हैं। इस प्रकार अलग ध्यान रखिए डायग्राम को। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, उसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या जब ब्रैकेट बड़ा है हमारे रियल नंबर का वास्तविक संख्या का, प्राकृत संख्या होती है, हाँ होती है, पहला ऑप्शन क्या हमारा सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है बी में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं ब्रैकेट इतना छोटा है, वास्तविक संख्या ब्रैकेट कितना बड़ा है, ये तो बड़ा ब्रैकेट छोटे में नहीं आ सकता, नहीं छोटा ब्रैकेट बड़े में आ सकता है, तो बी क्या हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन पर कह रहा है, क्वेश्चन सी ऑप्शन 10 का सी कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक, अब इंटीजर का ब्रैकेट हमारा इतना बड़ा है, अब वास्तविक संख्या का ब्रैकेट पूरा है, तो मैं इंटीजर नंबर रियल नंबर हो सकते होते हैं, हो सकते नहीं है होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 का डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या हमारे ब्रैकेट इतना बड़ा आ रहा है परिमेय संख्या का, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या होती है। अब ऑप्शन चार हैं, एक दो तीन चार, तो पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है। पहले में कह रहा है कि ए बी सी, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, नहीं क्योंकि बी हमारा क्या गलत है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा गलत। दूसरे क्या कह रहा है कि ए सही है और सी सही है और डी सही है, हाँ तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा सही हो गया। इस पर आप विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर पूरा समझा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि एक्स क्या धनात्मक पूर्णांक है, एक्स दे दिया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, और वाई कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, वाई कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं नंबर, मैंने पीछे आपको बताए भी थे, एक दो तीन चार इन्फिनिटी तक होती हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस के तीन, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो उसने पूछा है कि एक्स और गुणा वाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन ए में कह रहा है, एक्स ए में कह रहा है कि विषम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, इसमें कह रहा है कि विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक, अगर हम गुणा करेंगे एक्स वाई का तो क्या है विषम पूर्णांक आएगा, फिर बी में कह रहा है कि सम पूर्णांक आएगा, फिर सी में कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हम ऑप्शन फोकस करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन था, धनात्मक पूर्णांक है एक्स और वाई के, ऋणात्मक पूर्णांक है, अब इन दोनों गुणा कीजिए, एक्स वाई का मैं कोई नंबर दोनों में गुणा करती हैं, और एक का एक में करा हमने तो माइनस के बन आएगा, अब दो का दो में करा माइनस के चार आएगा, तीन का तीन में कर दिया तो माइनस के नौ आएगा, और दो का एक में कर दिया माइनस के दो आएगा, तो कुल मिला के विषम पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रही, कभी सम संख्या प्राप्ति हो रही है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है,
तो कुल मिला के विषम पूर्णांक नहीं आ रहे हमेशा। अब सम पे चेक करते हैं, नहीं सम पूर्णांक प्राप्त हो रहे हमारे पास, सम पूर्णांक संख्या भी आ रही है हमारे पास, विषम पूर्णांक संख्या भी आ रही है हमारे पास, तो दोनों पूर्णांक संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। तो हम क्या अब कह रहा है कि परिमेय संख्या, हाँ जो भी सब संख्या आएंगी गुणा करने पर, सभी संख्या क्या होता है परिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या हो गुणा करने, कोई भी नंबर आया आपका दोनों गुणा करने, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन आप उसके नीचे अगर वन लगा देते हो, वन लगा देते इंक्लूड करते क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाती है। इसी प्रकार ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी, विषम पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, कोई विषम पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, सम पूर्णांक दोनों प्राप्त संख्या प्राप्त हो रही है हमारे पास, सम पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है हमारे पास, और विषम पूर्णांक ये भी नहीं होगा। परिमेय संख्या क्यों हो गया कि मैंने कहा कोई भी नंबर आया आपको गुणा करने पर, एक्स वाई कोई भी नंबर लीजिए, अगर वो नंबर आता है चाहे प्लस में चाहे माइनस, माइनस में आएगा वैसे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो कुल मिलाकर उसके नीचे हम वन लगा देते हैं क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाती है, और पी ओपन क्यू के फॉर्म में हो जाती है। जो मैं बता चुका हूँ परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे नंबर जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ क्यू डज नॉट जीरो होता है। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या है परिमेय संख्या। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डायग्राम बनाया था, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है इंटीजर नंबर परिमेय संख्या होती है, तो पहला ऑप्शन क्या हमारे पास सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक हमारे पास परिमेय संख्या होती है, इसे ध्यान रखना। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब बी बी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी होती है, इसको भी ध्यान रखना। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसे भी ध्यान रखिए दोनों को, मैंने डायग्राम मुझे बनाया था उससे ध्यान रखना पीछे नंबर सिस्टम में। तो हमारे ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में भी है, और थर्ड में और फोर्थ। क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि केवल एक, जो कि गलत है, हमारे दोनों ही सही हैं। सेकंड में कह रहा है कि केवल बी, क्या है गलत है। सी में कह रहा है ए और बी दोनों, जो कि सही है। डी में कह रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो कथन दे रखे हैं, दो कथन में कह रहा है कि किन्हीं भी तीन लगातार पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल में कि संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती। तो हम कोई संख्या तीन तीन लगातार पूर्णांक संख्या लेते हैं, हम कोई भी तीन, तो हमने पहले तीन संख्या लेते हैं, जैसे हमारे इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था इंटीजर नंबर हमारे होते हैं 0 ± 1 ± 2 ± 3 और ± 4, ये चलता रहता है। तो हमें तीन संख्या लेनी है कोई से भी, आपने बोला 2 ले लो, 3 ले लीजिए, हम 4 ले लिया, तो ये संख्या 6 से विभाजित होंगी नहीं होंगी, फिर गुणा करा 24, 24 क्या 6 से विभाजित होता है। कोई भी तीन लगातार संख्या ले लीजिए, आपने बोला 1 लो, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, गुणा करने पर 6 आया, 6 6 से विभाजित हो रहा है, मतलब तीन लगातार पूर्णांक संख्या हमेशा 6 से विभाजित होती है, इस प्रकार ध्यान दें। अब क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बी कह रहा है कि किसी भी पूर्णांकों के तीन 3k, 3k+1, 3k+2 में से एक संख्या से व्यक्त किया जा सकता है जहाँ के एक पूर्णांक है। किन्हीं भी तीन संख्याओं को ले लीजिए लगातार, तो हम उन संख्याओं को से के प्लस, इसे हम 1 + 1 लिख सकते हैं, इसे 2 + 1 लिख सकते हैं, इसे 3 + 1 ले सकते हैं, तो हमें 1 हमेशा हमें कॉमन आएगा सब में। कोई भी तीन संख्या ले लीजिए, जैसे हमने इसको 0 + 1 करा, 1 + 1 कर दिया, ऐसे 2 + 1 कर दिया, तो ये 1 आ रहा है एक्स्ट्रा, हमें यहाँ पर k जो आएगा वो पूर्णांक के रूप में आएगा, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी भी सही है। तो अब स्टेटमेंट आ गया, आंसर चेक करते हैं। तो कह रहा है केवल a सही है हमारे पास, केवल ए नहीं दोनों ही सही है, तो ए क्या है गलत। केवल बी सही है हमारे पास, बी क्या है गलत। कह रहा है ए और बी दोनों ही सही है हमारे पास, सही है। फिर कह रहा है कि केवल इनमें से कोई नहीं, क्या है गलत। सारे क्वेश्चन हमारे पास ए बी सी हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है,
दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम संख्या है। तो दो लगातार पूर्ण संख्या ली हमने, पूर्ण संख्या हमारे इंटीजर नंबर होते हैं, वो 0 ± 1 ± 2 होते हैं। हमने दो लगातार संख्या ली, आपने बोला 2 और 3 ले लिया, तो इसमें से एक संख्या तो हमें सम आएगी आएगी। कोशिश शुरू करो, आपने बोला 100 ले लीजिए, फिर 101 ले लीजिए, तो सब 100 क्या हो गया हमारे पास, इवन नंबर हो गया। आपने बोला 111 से शुरू कर दिया, 111 112, तो इसमें क्या एक ऑड आएगा एक विषम आएगा, तो दो लगातार पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या विषम और एक संख्या सम आती है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया स्टेटमेंट बी। बी कह रहा है कि विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+ के रूप में लिखा जा सकता है। कोई विषम पूर्णांक का वर्ग करा हमने, 3 का वर्ग करा, कितना होता है 9, तो हम इसे 8+1 लिख सकते हैं। सही बात है, आपने कोई विषम 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है 49 आता है, 49 को 8 6 48 लिख सकते हैं, 8 × 6+1, तो ये क्या हमारा के रूप में काम कर रहा है, ये तो 6 क्या है के, तो 8 × 6 के रूप में लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। कोई विषम संख्या लीजिए, उसका वर्ग कीजिए, उसको हम 8k+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हमारा, अब ऑप्शन चेक करते हैं। वो कह रहा है कि पहला सही है, फर्स्ट में कह रहा है पहला सही है, सेकंड में कह रहा है कि बी सही है, थर्ड में कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, डी में बोल रहा है कि नॉन ऑफ दीज, तो हमारा कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पर आ जाते हैं कि द्वारा कह रहा है कि कथनों कौन सा क्वेश्चन सही है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन है 15 का ही। तो कह रहा है ए प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक मिश्रित संख्या एक प्राकृत संख्या है, मिश्रित संख्या अलग होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिसमें आयोटा के रूप में भी आती है, जिसे हम जेड से शो करते हैं, इसे x+i/y कहते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग होते हैं, नंबर जो होते हैं आपके एक तो रियल नंबर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसे मिश्रित संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर अलग होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होते हैं, इस पे का विशेषकर ध्यान रखिए दोनों का। तो नहीं होते, तो फिर अब ऑप्शन पहला हमारा नहीं होता है। फिर बी में कह रहा है, बी कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या में 0 आता है, जो कि प्राकृत संख्या में नहीं होता, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर 0 शुरू होते हैं, तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो वो कह रहा है कि अब पहले स्टेप में कह रहा है कि एक केवल ए सही है, दूसरे में कह रहा है कि केवल बी सही है, तीसरे में कह रहा है ए और बी दोनों सही है, फोर्थ में कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज, तो कौन सा हो गया नॉन ऑफ दीज, नहीं तो फर्स्ट सही है, नहीं सेकंड सही है, बी सही है और नहीं वो सही है हमारे पास, ऑप्शन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ये 15 के 3 क्वेश्चन थे, तीनों एक संग थे 15 के। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो पूर्णांकों पी और क्यू, ये दोनों ही एक से बड़े हैं, जो कि एक सापेक्ष अभाज्य हैं, सापेक्ष अभाज्य होते हैं कोई प्राइम नंबर, अभाज्य हैं, तो पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है, पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है, पी और क्यू दोनों में से अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है। अब जो 3 ऑप्शन दिए हैं, मैंने बोला था कोई प्राइम नंबर, आपको मैंने कोई प्राइम नंबर पढ़ाया था याद होगा थोड़ा बहुत, इसे सहभाज्य समूह कहते हैं। तो इसमें क्या था, जो हम इसे पेयर के रूप में लिखते हैं, पहले किस रूप में लिखते हैं, पेयर के रूप में लिखते हैं। 3 स्टेटमेंट है ए और बी सी, स्टेटमेंट के आधार पर हम क्वेश्चनों को आंसर देंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कथन क्या कहना चाह रहा है, फिर कथन के आधार पर हम आंसर लगाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तो कोपन नंबर कौन से जो हम पेयर के रूप में लिखे जाते हैं, दोनों में जोड़े के रूप में होते हैं, और ए और बी दो नंबर होती हैं। जब हम ए और बी दो नंबर होती हैं, तो उसने कह रहा है दोनों ही क्या है परिमेय संख्या है, पी भी क्या है, ये दो नंबर हैं, उसने पी और क्यू लिया, हम ए भी लिया, तो हम पी और क्यू कर लेते हैं, दो कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, और दोनों ही कोई प्राइम नंबर होंगे, तो दोनों पी और क्यू परिमेय संख्या हो सकती हैं, मेरे मैंने बोला था क्या। फिर क्या है बी कह रहा है, बी कह रहा है कि दोनों क्या भाज्य संख्या है, दोनों भाज्य संख्या नहीं होती, अगर दोनों भाज्य संख्या होंगी तो कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, कि दोनों संख्या किसी ना किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगी, जो कि कोई प्राइम नंबर का रूल नहीं है। फिर डी में क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है, सी में कह रहा है कि पी और क्यू में से दोनों अभाज्य संख्या दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है, मतलब कोई एक भाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या हो सकती है। हाँ तो इसी बताया था, एक तो भाज्य संख्या होगी होगी, दूसरी संख्या प्राइम नंबर भी हो सकती है या कंपोजिट नंबर भी हो सकती है, जो आपको विशेषकर ध्यान रखना है।
तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? सी सही है। तो वो ऑप्शन में पहले पे कह रहा है कि ए सही है, फिर कह रहा है बी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं, ए और सी दोनों, तो हमारा कौन सा होगा? ए और सी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। पहला सही है, तीसरा सही है, बी क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो से अपाचित संख्याओं को दो से विभाजित क्या होता है? यदि n 6n-1 के रूप में n एक धन पूर्णांक संख्या है, तब n एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है। वो कह रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी, दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाजित होता है, और दो से अधिक कोई दो अभाज्य संख्या है और इनका अंतर दो से विभाजित होना चाहिए। पहला कह रहा है दो से अधिक दो अभाज्य संख्या ली हमने, दो से दो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पाँच, 3 और 5 हो गई और 7 हो गई, तो इनका अंतर कितना है? 2 आ रहा है, दो से विभाजित है, इनका अंतर दो से विभाजित है। इससे बड़ी कौन सी होती है? 11 होती है, इनका अंतर 4, दो से विभाजित है। इससे बड़ी कौन सी होती है? 13 होती है, जो कि दो से विभाजित है, इसका अंतर 2 आ रहा है। तो कुल मिला के ऑप्शन हमारा ए क्या हो गया? सही हो गया। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा कह रहा है दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाज्य है। दो से अधिक कोई दो संख्या ले लीजिए आप, प्राइम नंबर, दो से अधिक प्राइम नंबर को 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार नंबर होते हैं। अगर दो प्राइम नंबर का अंतर कीजिए, कोई दो प्राइम नंबर का आप अंतर करोगे तो वो नंबर हमेशा इवन नंबर आएगा, इवन नंबर हमेशा दो से डिवाइड होता है। इस प्रकार पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। अब बी पे फोकस करते हैं। बी कह रहा है कि यदि 6n के रूप में एक n एक धन पूर्णांक है, तब एक अभाज्य संख्या है। उसने बोला है कि कोई 6n-1 धनात्मक अभाज्य संख्या है, तो पूछ रहा है कि एक धनात्मक संख्या है तो ये क्या अभाज्य संख्या होती है 6n-1? हम इसको चेक करते हैं। हमने n की जगह 1 रखा, 1 रखा, 6 से गुणा करा, 1 + 6 तो कितना आएगा? 5 आ गया। जब हमने n की जगह 2 रखा तो 6 × 2 = 12 और 1 = 13, 6 × 2 = 11, प्राइम नंबर आ गया। फिर हमने 3 रखा n की जगह, 6 × 3 = 18, 1 = 17, 17 क्या होता है? प्राइम नंबर हो गया। फिर हमने 4 रखा, 6 × 24 = 1, फिर 23, 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। फिर हमने 5 रखा है n की जगह, 6 × 5 = 30, 30 में से 1 गया तो कितना? 29, 29 प्राइम नंबर होता है। हमने 6 रखा, 6 × 36, 36 में से 1 गया कितना आया? 35, 35 हमारा प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन क्या है? बी गलत हो गया। अब सी पर फोकस करते हैं। सी क्या कह रहा है हमारे पास, एक बार समझ लीजिए। वो कह रहा है कि 6n-1 पूर्णांक संख्या है, यदि इसे एक अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने n की जगह 1 रखा तो 5 आ रहा था, n की जगह 2 रखा तो गुणा करा 2 का, 12, 11 आ गया, 3 का 18 में से 1 गया, 17 आ गया, 24 में से 1 गया, 23 आ गया, 25, 30 में से 1 गया, 29 आ गया, 35, 36 में से 1 गया, 35 आ गया, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती 35। तो 35 5 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड भी हो रही है। पीसी करा है, तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही समुच्चय जिसमें से दो निकट अभाज्य संख्याओं को 2 का अंतर होता है। केवल एक ही समुच्चय ऐसा है, मतलब समुच्चय मतलब सेट, एक समुच्चय ऐसा है कि तीन संख्या लगातार है, 3, 5, 2, जिनमें 2 का अंतर है बस, 3, 5, 7, यही है प्राइम नंबर। तीन प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। वो यही कहना चाह रहा है कि पूरी प्राकृत संख्याएं जो है आपकी अनंत तक, उसमें एक समुच्चय ऐसा है जिसमें 2-2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, यही एक समुच्चय ऐसा है। 3, 5, 7 तीन अंक संख्याएँ। अब डी में कह रहा है, सी क्या हमारा? सही हो गया। अब डी पर फोकस करते हैं। तो ऑप्शन कितने आ गए हमारे? ऑप्शन इसमें से 2 आ गए। वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा लगाएंगे हम? डी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 2 आ गए, हमें चाहिए एक ऑप्शन।